न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने रविंद्र भवन भोपाल में इंडियन सोसाइटी फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्शन के वार्षिक सम्मेलन का द्वीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के भव्य कार्यक्रम में हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के स्वीकृति पत्र दिए एवं किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सिंगल क्लिक से 1465 करोड़ की। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक कर जिले के विकास और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सागर के मकरोनिया स्थित महाविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं नरियावली विधायक श्री प्रदीप लारिया ने बैडमिंटन खेल परिसर का शुभारंभ किया। बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने जिले में 5 फरवरी से शुरू हो रही विकास यात्रा को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्वालियर में कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने जिला चिकित्सालय मुरार का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से चर्चा कर अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत मंडला में पंजाब और छत्तीसगढ़ की टीमों के बीच गतका का रोमांचक मैच हुआ। जबलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत मध्य प्रदेश आर्ची एकेडमी के श्री अमित कुमार और सुश्री सोनिया ठाकुर ने मिक्स डबल रिकवर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। उज्जैन में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में योगासन में मध्य प्रदेश की बालिकाओं ने बाजी मारी। जबलपुर की कुमारी रिया और कुमारी निशिता ने योगासन में प्रथम पुरस्कार हासिल किया है।